अभी दोस्तों उनके घर पे जाते हैं हम और जंगली बाजी लेके आते हैं और आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजन टिप्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी शाम का टाइम है और मेरे सारे कबूतर बंद है। अभी मुझे शैलेश भैया का फोन आया था, उनने मुझे बोले थे मेरे पास एक जंगली मादी रखी है जो कि जाग जंगली मादी है, तो उनने बोले आप इस मादी को लेकर चल जाओ मेरे पास से। तो अभी दोस्तों उनके कबूतर खुले हैं, तो अभी दोस्तों हम उनके छत के ऊपर जाएंगे जंगली मादी लाने के लिए। वैसे दोस्तों हमारे पास एक जंगली मादी थी, तकरीबन एक आध साल पहले भाग चुकी थी। उसके बाद दोस्तों मैंने बहुत से जंगली कबूतर पकड़ा, मगर दोस्तों वो जंगली कबूतर मेरे छत के ऊपर टिके नहीं। मतलब कोई कबूतर पर बंदे भी गिर गया तो ऊपर उल्टे उल्टे पर पे भाग गया, तो हमारे छत के ऊपर कोई जंगली कबूतर टिका नहीं। मगर दोस्तों उनके पास जो जंगली कबूतर है उसके दोस्तों उल्टे उल्टे 10-10 पर कटे और पूंछ भी कटी हुई है। जंगली मादी ने उनके पास 3 बच्चे निकाली, तो बच्चे भी आपको दिखा दूंगा मैं। और वैसे दोस्तों उनके जो कबूतर है अभी घर के अंदर में रखे, मतलब झोपड़ी के अंदर रखे, कबूतर भी दिखा दूंगा आपको। तो अभी दोस्तों हम उनके घर पर जाएंगे, जंगली मादी ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोले कि मुझे अब जंगली मादी रखना नहीं है, क्योंकि जंगली मादी उनके आके जोड़े खराब कर रही, मतलब किसी भी नर के साथ जोड़ा लगा ली थी। तो अभी दोस्तों उनके घर पर जाते हैं हम और जंगली मादी लेके आते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी दोस्तों मैं शैलेश भैया के आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं ये जंगली मादी है और जो उसके बाजू में खड़ा है वो उसी का नर है। दोस्तों अभी इनके सारे कबूतर खुले हैं। वैसे दोस्तों बहुत से वीडियो में इनके आगे कबूतर का मैंने आपको शौक कराया हूँ। पहले इनके आगे जो कबूतर की पीठी थी वो ऊपर थी, मगर जो अभी इनके आगे कबूतर की पीठी है वो नीचे है। कुछ कबूतर इधर है और कुछ कबूतर इधर है। ये जो आपको तांबड़ी मादी दिख रही है सामने में, ये एकदम एंटीक कलर में निकली है इनकी आँखी, जो कि घर की पट्टी है। तो अभी दोस्तों टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और भैया कबूतर बंद कर रहे हैं और देखना कबूतर किस तरीके से एकदम नीचे उतरते। बारिश के मौसम की वजह से इनने जो इनके कबूतर की पीठी है वो नीचे लेके चले गए। जो इनके आँखी झोपड़ी है उसके अंदर दोस्तों इनने कबूतर डाल दिए, जिसको दोस्तों हम टावर भी बोलते हैं। सब एक एक करके कबूतर नीचे उतर जाते हैं और ये तांबड़ी मादी देखिए काफ़ी बैठी है और इनके आगे कबूतर जो है पर्दार भी है। बारी बारी सब कबूतर अपनी अपनी पीठी के अंदर जाके बैठ जाते। वैसे तो अभी थोड़े बहुत कबूतर और बचे बन होने के। ये देखिए आप, ये कबूतर बचे बन होने के, ये भी हो गया बंद, मतलब नीचे आ गए कबूतर। एक एक करके सब कबूतर नीचे उतर जाएंगे और इनके जो पीठी है ये पीटी का ढक्कन खोल लेंगे तो सब कबूतर अपने अपनी खंडी के अंदर घुस जाएंगे, मतलब गाले के अंदर चले जाएंगे। इनमें आपको ज़्यादा करके हरे कबूतर दिखेंगे। तो दोस्तों अभी जंगली मादी लेते हैं हम और घर पे चलते। तो दोस्तों अभी मैंने कबूतर लेके आ चुका हूँ घर पे। ऊपर जाके दोस्तों इस कबूतर का आपको शौक कराता मैं। तो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर में जंगली मादी लेके, और दोस्तों जैसे ही मैंने कबूतर लेके आया वैसे उसको लॉफ्ट के अंदर में डाल दिया। अभी मादी का आपको शौक कराता, वैसे तो आपने सारे कबूतर बंद है, फिर भी दोस्तों मैं हो सके तो लॉफ्ट वाले कबूतर खोल लूँगा उस मादी का शौक कराने के लिए, जैसे हम उसको छत के ऊपर में छोड़ेंगे। पहले तो उसकी आँख दिखाता, पर दिखाता, पंजे दिखा। तो अभी दोस्तों आपको जंगली मादी दिखाता मैं। जैसे इसको लेके आया मैंने वैसे इधर लॉफ्ट के अंदर में डल दिया। तो फाइनली दोस्तों हमारे छत के ऊपर में एक जंगली मादी आ चुकी है, जो कि दोस्तों एकदम एंटिक कलर में है। जाग कबूतर में सादे कबूतर बहुत है, जैसे कि ये हमारे पास में एक जाग कबूतर सफ़ेद आँख का, ऐसे तो कबूतर मिल जाएंगे, मगर ये है नायाब चीज़। लाल आँख है, काली चोंच है, पर भी कटे, पूंछ भी कटी हुई है। ये है मादी जंगली, फाइनली ये भी आ गई अपनी छत पे। तो दोस्तों अभी इसको बाहर निकालते हैं हम। तो करिए दोस्तों आप जंगली मादी का शौक। काली चोंच है, लाल पीली आँख है, दोस्तों ये इसके पर है, पर कटे कबूतरी के, ये इधर के पर है, इधर के पर भी कटे हुए 10-10 पर कटे कबूतरी के। इसकी धूम देखिए आप कहाँ से कटी हुई है, यहाँ से इसकी धूम कटी हुई है, इस जगह से। ये इसके पंजे है, काली चोंच है, काले नाखून है, जामनी पंजे, लाल वाले एकदम। दोस्तों जैसे इसको पकड़ा मैंने देखिए कितना ज़्यादा मुँह फाट रही। तो फर्स्ट टाइम दोस्तों अपनी छत के ऊपर में जाग जंगली मादी आ चुकी है, तो इसको दोस्तों छोड़ता मैं और छोड़ने के बाद आप कबूतरी का शौक करना। माशाल्लाह दोस्तों इसके जो यहाँ पे 3 बच्चे हैं ना दोस्तों, ऐसे रुकेंगे नहीं लगता भारी है। चलिए इसको अंदर करते क्योंकि बाहर रुक नहीं रही है। दोस्तों शैलेश भैया के पास में इस मादी के 3 बच्चे हैं, एक जाक है पीली आँख का, एक सब्जा पट्टा है ऐसे वाला वो भी पीली आँख का है, और एकदम छोटा बच्चा है वो भी पीली आँख का है सब्जा। 3 बच्चे आपको दिखाया मैंने यहाँ पे। ये है उस 3 बच्चों की माँ जंगली,
इस माझी को सब्जा दो बार लगा था, ये ऐसा सब्जा था सफेद दाग का, मगर दो बार था वो और फॉर्मोस्ट नहीं था। वैसे तो अभी मेरे पास में एक ये वाला नर खाली है, एक ही अंदर में लाल वाला नर खाली है, एक उसके बाजू वाला नर खाली है, और भी दोस्तों दो तीन नर पेठियों के अंदर में खाली है। सो इस माझी का हम जोड़ा लगेंगे, इस माझी के अंडे बच्चे करेंगे हम हमारे घर पे। दोस्तों बहुत से जंगली कबूतर हमारे लॉफ्ट के अंदर में आए, मगर कोई भी जंगली कबूतर टिका नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कबूतर कैसी लगी है वाली। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।